वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। देखा आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं के घरों में दीवालों से भी देवी लक्ष्मी अब निकलने लग गई है। नोटों की गड्डियां अनगिनत गिने नहीं जा रहे हैं, 3 दिन से गिने जा रहे हैं और गिनते गिनते जब सभी अधिकारी थक गए हैं तो समाजवादी पार्टी के बबुआ अपने जेब में बोतल लेकर के फिर रहे हैं। अब उनको अपना असली चेहरा जनता के सामने जब नहीं दिखाई दे रहा है तो स्वीडन में बनी हुई बोतल को अपनी जेब में रख करके एक नई नौटंकी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जो पैसा निकला है क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है, आखिर जिम्मेदार कौन है? और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। आखिरकार नोटबंदी का असर देखिए आप, आज भी नोट मिल रहे हैं। जिन्होंने ये कहा था कि नोटबंदी हो जाने के बाद कहीं भी काला धन नहीं होगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर पैसा कैसे निकल रहा है? ये लोग विकास नहीं कर सकते, ये इत्र वाले जैसे, जैसे इत्र वाले के घर से 250 करोड़ रुपया मिला ना, ऐसा भ्रष्टाचार कर सकते हैं। 7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।